दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम, एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज 20 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न लाता हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनके बारे में मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ, अलग से जानकारी देता हूँ, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत होता है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वोट की तरफ। देखिए आज का मोटिवेशनल क्वोट, जिसको अपने आप पर भरोसा होता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों खुद पर भरोसा रखना पड़ता है, उसी के बाद हम किसी भी चीज़ में सफल हो पाते हैं, चाहे वो जॉब करने से संबंधित हो, चाहे कोई और वर्क करने से संबंधित हो। जिस पर हम भरोसा कर पाएंगे, जिस चीज़ पर हम खुद पर अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों सफलता तभी प्राप्त होगी जब अपने आप पर भरोसा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का पहला प्रश्न रहेगा, ये देखिए इस वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायनन का निधन हुआ है, वे कौन थी? लेखिका, अभिनेत्री, शास्त्रीय नृत्य कलाकार, खिलाड़ी। सही आंसर ऑप्शन सी है, शास्त्रीय नृत्य कलाकार। वो शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी और उनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये देखिए ये है कपिला वात्स्यायनन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो। देखिए हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी है, सी सही आंसर है 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया था। यह दिवस जल की निगरानी और जल संचय संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता व भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों इसी के अलावा 18 सितंबर को बांस दिवस विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए, विश्व जल निगरानी दिवस भी 18 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखिए वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे 18 सितंबर। प्रश्न नंबर तीन देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है मालदीव, इजराइल, ईरान और घाना। सही आंसर ऑप्शन ए है मालदीव। मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रेमवर्क फॉर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेट्स ऑफ फोर्स एग्रीमेंट का विरोध किया था। बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव के बारे में देखिए, राजधानी माले है, राजभाषा दिवेई है, राष्ट्रपति हैं सोहेल, उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद और मुद्रा देखिए यहाँ की मालदीवी रुपया है, मुद्रा यहाँ की मालदीवी रुपया। आगे बढ़े प्रश्न नंबर चार देखिए, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, कपड़ा मंत्रालय इसका सही आंसर है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CPC की स्थापना 1982 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत से कालीन और अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हाल ही में CPC खबरों में था क्योंकि संगठन ने 3 दिवसीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की।
तीन दिवसीय वर्चुअल क्रेता और विक्रेता बैठक की घोषणा की। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि भारत उन देशों के लिए हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर पाँच देखिए। हाल ही में बागजन ऑयल बेच जो कि समाचारों में देखा गया, था किस राज्य से में स्थित है, किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न दोबारा से, हाल ही में बागजन ऑयल बेच जो कि समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। सही आंसर ऑप्शन सी है, असम में। असम इसका सही आंसर है। ये जो बागजन तेल का कुआं है, ये एक तेल का कुआं है, पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। उपकरण की विफलता के कारण तेल के कुएं में भीषण आग लग गई थी, इसी कारण ये चर्चा में रहा और एक विस्फोट में बदल गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी विशेषज्ञों ने 110 दिन में के बाद आग पर काबू पाया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये जो कंपनी है बागजन तेल से तेल निकालती है। आगे बढ़ें, असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है, कुल जिले 33 हैं, राजभाषा असमिया है, गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी के हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, विधानसभा की 126 सीट, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14 सीटें। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है और डिब्रू सैखोवा भी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर छः देखिए। हाल ही में अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। सही आंसर ऑप्शन ए है, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। इसका जो कुल लागत 58.23 करोड़ कुल लागत होगी। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत किया जा रहा है। प्रश्न नंबर सात। हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन है ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, संजय दत्त। सही आंसर ऑप्शन बी है, अमिताभ बच्चन। अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। ये देखिए, ये है महानायक अमिताभ बच्चन। प्रश्न नंबर आठ देखिए। हाल ही में किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, एशियाई विकास बैंक। सही आंसर ऑप्शन डी है, ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। के अनुसार 1960 की शुरुआत के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था पहली बार संकुचित होगी। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी, लेकिन यह अब अनुमान लगाया है कि 2020 में एशिया की GDP में 0.7% की गिरावट होगी और 2021 में यह बढ़कर 7.7% गिरावट हो जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा है कि भारत की GDP में इस वर्ष 9% का संकुचन होगा। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक की बात करें, स्थापना 19 दिसंबर 1966 को, मुख्यालय फिलीपींस में है, सदस्य देशों की संख्या 68 है, अध्यक्ष ताकोहिको नकाओ हैं। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है और ये इस पद पर जनवरी तक बने रहेंगे।
आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है, फेसबुक। फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए प्रमुख एडुटेक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। 5 कोर्स प्रोग्राम के तहत शिक्षार्थियों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रभावशाली सामग्री बनना, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना शामिल है। फेसबुक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को, अध्यक्ष और संस्थापक जो हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका, भारत, इजराइल और जापान। सही आंसर ऑप्शन ए है, ए इसका सही आंसर है, अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर है। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिजियांग जो प्रांत है से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की जो कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इसने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। इसके अलावा आरोप और लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसाय को कमजोर करना चाहता है, कमजोर कर रहा है। इसलिए हाल ही में अमेरिका ने इन 8 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक नदी के किनारे है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुम्बी इमारतों का शहर कहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। मुद्रा है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। प्रश्न नंबर अगला है 11। देखिए, हाल ही में भारत में YouTube द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न के ऑप्शन देखिए, सुबोध, शॉर्ट्स, लक्ष्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी है, शॉर्ट्स। इनका नाम जो दिया गया है वो शॉर्ट्स नाम दिया गया है। इससे भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुई जो खाई है को भरने की उम्मीद है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। YouTube की बात करें, YouTube के बारे में देखिए, स्थापना 14 फरवरी 2005 को, संस्थापक स्टीव चैन, चार्ड हर्ले, जावेद करीम, ये यहाँ इसके संस्थापक थे। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और CEO हैं सुसान बोजसकी, ये इसके CEO हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उद्घाटन की गई 4 योजनाओं में पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के तहत जलापूर्ति परियोजना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए आधारशिला भी रखी है। यह बात हुई है बिहार की, तो बिहार के बारे में बात करते हैं। राजधानी पटना है, सबसे बड़ा शहर भी पटना है, राजभाषा हिंदी है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधायिका द्विसदनात्मक है, विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 245, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा कुछ वन्य अभ्यारण्य हैं, राजगीर वन्य अभ्यारण्य, काबर झील पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। इसके अलावा दोस्तों, बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न रहेगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नामक अभियान चलाया है? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों, आपको सही ऑप्शन चुनकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न नंबर अगला है जो कल का प्रश्न था, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? ICICI बैंक, देना बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक। सही आंसर ऑप्शन ए, ICICI बैंक ने सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए धन्यवाद।